दर्शकों नमस्कार। कोरोना वायरस की रोकथाम एवं जन जागृति करने के लिए भारत सरकार की ओर से और महाराष्ट्र सरकार की ओर से कई कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम एवं जन जागृति करने के लिए भारत सरकार द्वारा तमाम शहर में और राज्यों में भी संचार बंदी लागू की गई है, जिसके चलते लोग अपने घरों में ही हैं। ऐसे में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भूखे पैसे बैठे हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसे भी शहर के स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो उन्हें खाना दे रही है, अनाज का वितरण किया जा रहा है और फल फ्रूट बिस्किट आदि दिए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में बीसीएन न्यूज़, बावा ट्रैवल पॉइंट और नागपुर मेट्रो समाचार के संचालक मालिक जनाब सिराज भाई शेख की ओर से जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे इन्हें 11 लाख का धनादेश यानी चेक दिया गया। मुख्यमंत्री निधि सहायता के लिए ये चेक दिया गया, जो जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे इन्होंने स्वीकृत किया। पूरे विश्व में जिसका नाम चल रहा है ऐसा कोरोना वायरस, इस कोरोना वायरस ने अब तक के हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दी है। ये कोरोना वायरस, ये वो वायरस जो वुहान से आया और पूरे देश और विदेशों में भी तांडव कर रहा है। भारत में जब से ये कोरोना वायरस आया तब से लेकर अब तक के कई लोगों की मौतें हो चुकी है, तो कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं जो अलग अलग शहर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान संचार बंदी भी लागू की गई, जिसका मतलब कि लोगों ने घर में रहना है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर में न रहते हुए बाहर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन और सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन दोनों भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी जरूरतमंद है जो दाने दाने के लिए मोहताज है। ऐसे में उन लोगों को खाना खिलाने के लिए शहर के कुछ ऐसे भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो बढ़ चढ़कर आगे आई हुई है और उन्हें पेट भर खाना भी खिला रही है, तो वहीं कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जो उन्हें फल बिस्किट आदि भी दिया जा रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जो मुख्यमंत्री निधि में अपना डोनेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं इनबीसीएन न्यूज़, बावा ट्रैवल पॉइंट और नागपुर मेट्रो समाचार के मालिक जनाब सिराज भाई शेख के हाथों मुख्यमंत्री निधि के लिए नागपुर के जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे इन्हें 11 लाख का चेक दिया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे इन्होंने 11 लाख का चेक जनाब सिराज भाई शेख के हाथों स्वीकार किया। जिलाधिकारी कार्यालय से कैमरा पर्सन वीरेंद्र और सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।